नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये अपना थंब रूल सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड हाई राइज बिल्डिंग के थंब रूल देखे, दूसरे बिल्डिंग में हमने कंक्रीट और स्टील का थंब रूल के बारे में देखा। अगर आपको ये दोनों वीडियो आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, आप वहाँ क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है, शटरिंग के बारे में है। थंब रूल यूज करके शटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, शटरिंग का मटेरियल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। थंब रूल फॉर शटरिंग, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में थंब रूल यूज करते हैं, शटरिंग के लिए क्या क्या थंब रूल यूज करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है शटरिंग। शटरिंग का कॉस्ट है जनरली 15 से 18% तक आता है। टोटल जो भी इस्टीमेट रहता है अपना बिल्डिंग का, उसका अप्रोक्सीमेटली 15 से 18% कॉस्ट शटरिंग का रहता है। और शटरिंग मेन क्यों प्रोवाइड करते हैं, शटरिंग मेनली कंक्रीट को शेप देने के लिए या फिर एज अ फॉर्म उसको यूज करते हैं। थंब रूल जो शटरिंग का क्वांटिटी हम निकालते हैं वो जनरली कंक्रीट के हिसाब से देखेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का कितना क्वांटिटी है उसके 6 गुना शटरिंग का क्वांटिटी रहता है। और अगर हम प्लिंथ एरिया के हिसाब से निकालेंगे तो 2.4 टाइम्स ऑफ प्लिंथ एरिया, मतलब प्लिंथ एरिया कितना है उसका 2.4 टाइम्स शटरिंग का क्वांटिटी आता है। फॉर एग्जांपल अभी कंक्रीट का क्वांटिटी अगर 100 MQ है तो शटरिंग का एरिया कितना रहेगा, 100 × 6 = 600 square meters। अभी शटरिंग के कुछ कॉम्पोनेंट्स है उसका भी हम देखेंगे। सबसे पहला है शटरिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स है, प्लाई, बैटन्स, नेल्स, उसके साथ ही कुछ बाइंडिंग वायर भी लगती है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स है। अभी प्लाई का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, शटरिंग में जो प्लाई लगता है, अभी प्लाई कैसे जनरली 12 mm 18 mm ऐसे दो टाइप के प्लाई लगते हैं, तो जनरली ज़्यादातर 12 mm का ही प्लाई यूज़ किया जाता है। कभी कभी कुछ रेयर केस में 18 mm का भी यूज़ करते हैं। अभी शटरिंग का प्लाई का लेंथ एक स्टैंडर्ड रहता है, 8 feet by 4 feet का रहता है। जैसे अगर हम मीटर में देखेंगे तो 2.44 meters by 1.22 meters by 0.012, मतलब 12 mm उसका थिकनेस है। तो नंबर ऑफ शटरिंग प्लाई शीट्स जो है, नंबर ऑफ शटरिंग प्लाई शीट्स कितना आता है, 0.22 times ऑफ शटरिंग, मतलब जैसे अगर शटरिंग का एरिया है 50 square meters, अगर 50 square meters अगर शटरिंग एरिया है तो कितना प्लाई लगेगा, तो 50 × 0.22 मतलब 11 meters square का प्लाई लगेगा। एक सिंपल कैलकुलेशन है, 0.22 times ऑफ शटरिंग, जो भी शटरिंग एरिया है उसका 0.22 times प्लाई लगेगा। अभी बैटन्स का कैसे क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, बैटन जनरली अलग अलग शेप के, जैसे 75 mm, 40 mm, 50 mm, तो हम यहाँ 75 mm में 40 mm का कंसिडर किया है। तो बैटन का क्वांटिटी जो आता है वो 19.82 into नंबर ऑफ प्लाई शीट्स, मतलब कितने प्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं उसका 19.82 times बैटन क्वांटिटी आता है। अभी जैसे मान लीजिए अगर 25 प्लाई हम लोग यूज किए हैं शटरिंग के लिए, तो बैटन्स का क्वांटिटी आएगा 25 × 19.82, मतलब 495 numbers बैटन्स आएंगे 25 × 19.82। अभी शटरिंग के लिए नेल्स और बाइंडिंग वायर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अप्रोक्सीमेटली 75 grams ऑफ नेल्स, मतलब 75 ग्राम एक स्क्वायर मीटर शटरिंग में यूज किए जाते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है। जबकि बाइंडिंग वायर भी 75 ग्राम यूज किए जाते हैं पर 1 meter square शटरिंग। अभी शटरिंग के ऊपर हम ऑयल भी लगाते हैं, जैसे शटरिंग ऑयल लगाते हैं, तो उस शटरिंग ऑयल का अप्रोक्सीमेटली उसका भी एक थंब रूल है। तो शटरिंग का ऑयल हम क्यों लगाते हैं कि शटरिंग प्लेट सरफेस मेनली उसको कंक्रीट उसको ज़्यादा ये ना हो, चिपके नहीं, या फिर इजीली उसको हम डी शटर करने के बाद में वो सरफेस कंक्रीट का सरफेस अच्छा रहे और उसको डी एक्सेसिबल रहे। अभी शटरिंग ऑयल का क्वांटिटी 0.065 into टोटल एरिया ऑफ शटरिंग, जैसे
शटरिंग का जो भी एरिया है उसका इंटू 0.065 इतना शटरिंग वाले का क्वांटिटी आता है। और 15 मीटर स्क्वायर शटरिंग के लिए 1 लीटर शटरिंग ऑयल लगता है। 1 लीटर में मतलब 15 मीटर स्क्वायर एरिया शटरिंग कवर होता है। अभी एक एग्जांपल देखेंगे हम, अगर शटरिंग का टोटल एरिया है 15 मीटर स्क्वायर उसके बाद में, तो शटरिंग का ऑयल कंजम्पशन कितना आएगा, 0.065 × 15 मतलब 0.975 लीटर। जैसे 15 मीटर स्क्वायर शटरिंग के लिए 15 × 0.065 मतलब कितना, 0.975 लीटर शटरिंग ऑयल लगेगा। अभी कुछ थंब रूल्स हैं जो शटरिंग वर्क में देखे जाते हैं या फिर उसके हिसाब से क्वांटिटी के लिए फॉलो किए जाते हैं। इसमें देखिए, टाइप ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ टाइम्स स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर, मतलब कौन सा कंक्रीट स्ट्रक्चर है और उसका क्वांटिटी, कंक्रीट क्वांटिटी कितना है, उसके हिसाब से उसका एक रेशियो है। जैसे कंक्रीट क्वांटिटी के कितना टाइम्स नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग लगता है। सबसे पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए 2 to 4 times ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, कंक्रीट क्वांटिटी कितना आएगा उसका 2 to 4 times। जैसे 1 MQ अगर कंक्रीट रहेगा तो उसका 2 to 4 square meter शटरिंग रहेगा। कॉलम का जैसे 10 to 12 times कंक्रीट वॉल्यूम, अगर 1 क्यूबिक मीटर कॉलम रहेगा तो उसका शटरिंग कितना रहेगा, 10 square meter और 12 square meter। बीम, बीम का कितना आता है, 11 to 10 कंक्रीट वॉल्यूम। जैसे 1 क्यूबिक मीटर अगर बीम का क्वांटिटी है तो बीम का शटरिंग क्वांटिटी आएगा 11 square meter और 10 square meter। स्लैब, स्लैब का कैसे आएगा, 9 to 12 times ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। जैसे 1 क्यूबिक मीटर अगर कंक्रीट है तो उसका शटरिंग आएगा 9 square meter और 11 square meter। ये एक जस्ट टेंटेटिव निकाला हुआ थंब रूल है, एज पर ड्राइंग ये वेरी भी हो सकता है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए और क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए बना गया है। ये ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है यही फॉलो करना है, ड्राइंग के हिसाब से चेंज हो सकता है, ये जस्ट एक थंब रूल अपना रेफरेंस के लिए है। तो दोस्तों हमने देखा कि थंब रूल के हिसाब से शटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अभी हम अपने आने वाले आगे के वीडियो में लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा लेबर एक दिन में कितना काम कर सकता है और उसका डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।